नाउ वी आर टेकिंग सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर इन एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स दे ऑस्क यह कमेंट किसने कहा है शेक्सपियर के ऊपर सो विद डैट सेंस वी हैप टू बी वेरी विजिलेंट जी बी शाह ने कहा था आई विस आई कुड राइट ए ब्यूटिफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट जीबी शाह ने कहा था कि मेरी कामना है कि मैं भी इतना सुंदर नाटक लिखता जितना कि शेक्सपियर ने ट्वेल्थ नाइट लिखा है एलेक्जेंडर पोप ने कहा इफ एवर एनी आथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजनैलिटी इट वॉज शेक्सपियर एलेक्जेंडर कहता है कि अगर कोई लेखक अपनी ओरिजनैलिटी के लिए बखूबी जाना जाता है तो वो शेक्सपियर ही है बेन जॉनसन कहता है शेक्सपियर के बारे में नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ इट एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ इट्स लाइन्स मिस्टर जेमसन एक मिसेस जैमसन एक क्रिटिक हुई हैं वो कहती हैं कि इफ ह्यूमन नेचर वाज डिस्ट्रॉयड

यानी किसी के प्रति आदर भाव समर्पित की भावना रखती है इन तीनों औरतों के बारे में मिसिस जैमसन ने बयान किया है यस लेट्स गो यस शेक्सपियर्स किंग्स आर नॉट नॉट और बेंट टू बी ग्रेट मैन Rather, little or quite ordinary humanity thrust upon greatness. With those pathetic results, the natural self pity of the weak heightened in them into irresistible appeal to others as the net result of their royal prerogative. Walter Pater, in his essay, Shakespeare's English Kings.

हमेशा एग्जाम में पूछा गया है किंग जॉन इज द रियल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी हैनरी कहता है कि किंग जॉन एक रियल क्रिमिनल है एक बहुत बड़ा अपराधी है लेकिन अपराधों में कमजोर है हैनरी सिक्स इज द रॉयल सेंट ये एक सेंट uh, है साधु है और साधुता में कमजोर है the feebleness of richard ii cannot be characterized in a word he is a graceful sentimental monarch richard iii in the other group is a royal criminal strong in his crime henry iv the usurping the usurping bolingbroke is strong by a fine craft in dealing with events by resolution and policy by equal caution and daring the strength of henry v is that of plain heroic Magnitude, thoroughly sound and substantial, founded upon the eternal verities. Here then we may recognize the one. The strength of Henry V is that of plain heroic magnitude, thoroughly sound and substantial, founded upon the eternal verities. Here then we may recognize the one dominant.

रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट सपोज ही इज वेल एबल टू बुम बॉस्ट आउट ए ब्लैंक वर्स एज देश ऑफ यू एंड बींग एन ऑब्सोल्यूट जॉय फैक्टम इज इन हिज ओन कंसीड दीन इन ए कंट्री रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात विलियम शेक्सपियर की बुराई करने के लिए क्रिटिसाइज क्रिटिसिज्म करने समालोचना करने के लिए लिखा था ग्रोड्स वर्द ऑफ विट 1592 में यस आई लव मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर बेन जॉनसन कहता है कि मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ उसका सम्मान करता हूँ उसकी यादों को और जो भी आइडोलेट्री है कोई भी जो हो सकता है एज मच एजनी वास्तव में ही वॉज ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर तो बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर की बहुत ही बहुत प्रशंसा करता है और एग्जाम में ये चीज पूछता है वस अगेन बेन जॉनसन सेज सोल ऑफ द एज दी अपलॉज डिलइट दंडर ऑफ यर स्टेज दाउ हैडस्ट स्माइल लैटिन एंड लेट्स ग्रीक ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बेन जॉनसन इन इस पोयम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलप्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट स्वीट स्वान ऑफ एवन बेन जॉनसन ने यह बात शेक्सपियर के लिए अपनी पोयम में टू द मेमोरी ऑफ माय बिलब्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर में लिखा है यस बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की तारीफ करते हुए कहा था कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम वो किसी एक एज का नहीं है बल्कि हमेशा है आज 600 सौ साल पहले विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा वो आज हो बहु सत्य है कोई उस बात को काट नहीं सकता यस जॉन मिल्टन ने एल एलेग्रो पोएम में शेक्सपियर के लिए कहा है क्या आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैलसी फैंसी चाइल्ड हमारा सबसे मीठा शेक्सपियर और बच्चा है किसका कल्पनाओं का क्यों क्योंकि जितनी भी थर्टी सेवन ड्रामाज विलियम शेक्सपियर यस जॉन मिल्टन ने एल एलेग्रो में इस बात को कहा है पीजीटी में 2016 में एक क्वेश्चन आया टू बिगिन देन शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड एंसियन पोइट्स हैर द लार्जेस्ट एंड ऑलमोस्ट कम्प्रेहेंसिव सोल किसने कहा जॉन ड्राइडन ने कहा इससे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में कहा टू बिगिन विद टू बिगिनियर ही वॉज द मैन ऑफ ऑल मॉडर्न एंड पोइट्स है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोल कंप्रेहेंसिव मीन्स जिसका दिल बड़ा हो विस्तृत उसकी आत्मा बड़ी थी और आत्मा बड़ी नहीं होती तो थर्टी सेवन ड्रामा शेक्सपियर ने जिस अंदाज में लिखा है कोई साधारण बात नहीं है यस जॉन ड्राइडन ने कहा इस बात को कहा एसे ऑफ टैमेटिक पोजी में आई एडमायर हिम बेन जॉनसन कहता है कि आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर कौन कहता है जॉन ड्राइडन कहता है ड्राइडन कहता है कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा तो करता हूं लेकिन प्यार मेरा शेक्सपियर के लिए ही है हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमस एंड किंग्स बट थिंग्स ओनली ऑन मैन सैमुअल जॉनसन ने कहा यह क्वेश्चन पीजीटी में आया है टू थाउजेंड सिक्सटीन में कि उसकी कहानियां रोमन और किंग से भरी हुई है बट वो मनुष्य के बारे में सोचता है उसका जो सेंटर है वो मैन ही है यस yes? मिल्टन ने क्या कहा शेक्सपियर पोएम में ऑन शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमरी ग्रेट एयर ऑफ फेम Not heir, but it is heir. Pronounce as heir. What needest thou such weak witness of thy name? कह रहा dear son of memory यादगार के तुम बहुत प्यारे पुत्र हो और प्रसिद्धि के तुम उत्तराधिकारी हो. Heir means inheritor. Yes. What needest thou? तुमको जरूरत किस चीज की है? Such weak witness of thy name. तुम्हारी नाम की कोई गवाही दे? कमजोर गवाही की कोई जरूरत ही नहीं है. तुम तो सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो प्यारे हो मिल्टन ने कहा था अपनी पोएम में ऑन शेक्सपियर में जो 1630 में आई थी अब एक राइटर है मैचडो डी एसिस आई थिंक दिस इज लैटिन नेम यस वन डे वन देर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन वैन देर इज नो मोर द यूनाइटेड स्टेट्स वैन देर इज नो मोर दी इंग्लिश लैंग्वेज बिली जिस्ट शेक्सपियर वी विल स्पीक शेक्सपियर कह रहा है एक दिन जब ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में नहीं रहेगा जब ये यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा और जब कोई अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी तो भी शेक्सपियर जिंदा रहेगा और हम सब शेक्सपियर की बातों को बोलेंगे उसकी बातों को दोहराएंगे क्योंकि जो वो लिखता है वो सब सत्य होता है यस डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड टी एस एलियट ने अपने सेलेक्टेड एसेज में कहा है वो कहता है कि डांटे और शेक्सपियर ने क्या काम किया मॉडर्न वर्ल्ड को बांट लिया और तीसरा कोई बीच में आ ही नहीं सकता यानी जो भी बोल बाला है वो डांटे का है और शेक्सपियर का है यस मैथ्यू रॉनल्ड ने अपने सोनेट्स में लिखता है जो शेक्सपियर नाम का टाइटल है सोनेट उसमें कहता है कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, अदर्स अबाइड आर क्वेस्टन दाउ फ्री कह सब लोगों पे तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता उट टॉप नॉट इन शेक्सपियर एस टी कॉलरिज ने क्या कहा लेट सी एस टी कॉलरिज कहता है द ग्रेटेस्ट जीनियस डेट परूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड अवर मिरियॉर्ड माइंडेड शेक्सपियर एस टी कॉलरिज ने विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहा ग्रेटेस्ट जीनियस सबसे प्रभावी और महान जो ज्ञान का खजाना है लगभग लगभग ह्यूमन नेचर का और अब तक जिसने बयान किया खुलासा किया वो कोई और नहीं बल्कि असंख्य दिमागों वाला असंख्य सब मुँह वाला माउथ वाला माइंड वाला शेक्सपियर ही है क्योंकि शेक्सपियर के जैसा शायद कोई नहीं मेरे लिए एस टी कॉलेज ने कहा है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने भी उसकी प्रशंसा किया है कहता है कि इन ए वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट गेट गोथ कहता है गेट आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर गेट कहता है कि मुझे अभी तक याद है कि कोई भी किताब कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में इतना प्रभाव नहीं डाला जितना कि विलियम शेक्सपियर ने डाला जॉन रश्कि ने क्या कहा लेट्स सी यस शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली शेक्सपियर ने कहा भाई सुनो थर्टी सेवन ड्रामा में केवल और केवल हीरोइन का ही बोलबाला है हीरो का कोई महत्व नहीं है जो दशक को ऐसा लगा होगा हालांकि वो सही कहता है लेकिन पीजीटी में दिस क्वेश्चन वॉज ऑस्टियस वोल्ड नाम का क्रिटिक कह रहा है क्या शेक्सपियर इज ए ट्रंक एंड प्लीज़ ओनली इन लंडन एंड कैनेडा ऑल टेयर एक क्रिटिक हुआ है जिसने शेक्सपियर की बुराई की और क्या कहता है कि भाई सुनो शेक्सपियर एक पियकड़ एक मदहोस और ये आवारा और बदतमीज टाइप का व्यक्ति है सेवेज मन होता है गंवार टाइप का व्यक्ति जिसके अंदर कल्पना ही कल्पना है उसकी जो कल्पनाओं के बेस पे जो ये नाटक लिखता है आनंदित करती है प्लीज करती है किसको लंदन में केवल और कनाडा में और इसको कोई पूछने वाला नहीं है किसने कहा वोल्टेर ने शेक्सपियर चूंकि उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता तो जलना अच्छी बात है शेक्सपियर से यस एस टी कॉलेज क्या कहता है एस टी कॉलेज कहता है ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेस मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट कहते शेक्सपियर की जितने भी नाटक हैं मैकबेथ बहुत ही तीव्रगामी था और हेमलेट बहुत ही धीमा था तभी तो ट्रेजडी हुई मैकमेट ने तुरंत कहानी ख़त्म किया मन में बात आई नहीं राजा बनने की और फिर हैमलेट ने मारते मारते बहुत देर कर दी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वॉन्ग आई हर्ट है ना मैं भी ऐसे ही था कभी कोई काम जल्दी नहीं कर पाता सोचता हूँ बहुत ज़्यादा सोचने में सब कुछ हाथ से निकल जाता है निकल गया ज द मोस्ट है थॉमस कार्लाइन ने क्या कहा विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर आर योर शेक्सपियर योर इंग्लिश यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर आर नेवर हैड एनी शेक्सपियर थॉमस कार्लाइन इन लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स हीरो एज ए पोएट डेंटे शेक्सपियर ये थी कुछ इम्पोर्टेंट नोट शॉर्ट कमेंट ऑन शेक्सपियर बाई डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स सो मे बी बाकी लगता है इधर द मॉरलियर्स लिटल ट्रेजडीज इज नॉट रिलीजियस इन दर्डनरी सेंस एंड सर्टनली इज नॉट क्रिस्टियन जॉर्ज ऑर्वेल ने अपने से उन्नीस सौ सैंतालीस में आया जॉर्ज ऑर्वेल का उसमें कहता है कि द मॉरलिटी ऑफ शेक्सपियर्स लिटल ट्रेजडीज इज नॉट रिलीजियस इन दर्डनरी सेंस एंड सर्टनली इज नॉट क्रिश्चियन यस एक वादि निकोला निकोला यू हुआ है एक रशियन स्पीकर स्कॉलर है रशियन शेक्सपियर स्कॉलर जिसने शेक्सपियर के ऊपर अध्ययन किया वो क्या कह रहा है लेट्सपियर पुट फॉरवर्ड एंटी चर्च आइडियाज एंड डिड नॉट कंसिडर सुसाइड टू बी अन दट ही स्किलफुली अवॉइड कन्फ्लिक्टिप नादिम निकोले ने कहा कि शेक्सपियर ने जितनी बातें लिखी कहीं ना कहीं एंटी चर्च थी चर्च के खिलाफ थी और उसने ये सोचा नहीं कि भाई सुसाइड करना जैसे सुसाइड दिखाया कि ओफेलिया पानी में कूद के मर गई हैमलेट के प्यार में ओफेलिया या और भी नाटक में उसने सुसाइड दिखाया तो कह रहा है इसको ये सिन नहीं मानता था ये पाप नहीं माना और बहुत ही पूर्ण स्किलफुली इस अवॉइड विद सेंसरशिप और दिस इज हाउ वी हैव हाँ, एंडेड एंड लेट्स सी that we have completed some famous critical remarks on shakespeare. so those who are tgt, pgt and JIC lecturer aspirants, uh, they must go through these notes, means they must uh, cram and learn famous critical remarks given by different different writers on william shakespeare. otherwise, otherwise means otherwise.